आज आप इतनी जल्दी आ गए, आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैं जरा अकेले छत पर बैठना चाहता हूँ। क्या बात है भाई देवदास, क्यों मुंह उतार कर बैठे हो चुपचाप? किसका माता मना रहा है? लगता है वापस कुछ लेनदारों ने पकड़ लिया तुझे। अरे बेफिक्र है यार, अब तो मेरी भी नौकरी लग गई है, दोनों के पैसे मिलाकर सालों को चुकता कर देंगे। नहीं चुका सकते। क्यों नहीं चुका सकते? नौकरी ही नहीं रही शाम। क्या नौकरी नहीं रही? क्या भगवान, ये किसी का एड्रेस है तुम्हारे पास? जो भी कमाता है बस इसी के नाम आता है? तुझे नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं वो? चल साले को देखते हैं दुकानदार को भी। नहीं श्याम। अरे लेकिन ऐसा कैसे कर सकता है वो? उसके बाप का राज है क्या? इतने साल से काम कर रहा है तू। तू सबसे झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अरे अरे कोई फायदा नहीं होगा, मुझे नहीं चाहिए उसकी नौकरी। अरे लेकिन ऐसे कैसे निकालेगा तेरे को वो? छोड़ ना। मैं जा रही हूं। अरे अरे भाभी आप कहां जा रही हैं? ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। नहीं, मैं आप लोगों को और दुख नहीं देना चाहती, इसलिए जा रही हूं। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि चाहे मेरी नौकरी हो या ना हो, चाहे गांव वाले मुझे आपसे शादी करने की इजाजत दे या ना दे, मैंने आपको अपने मन से स्वीकार कर लिया है। कोयना की छोटी मां के रूप में, मेरी पत्नी के रूप में आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, लेकिन अगर आप यहां रुक गई तो मैं सोचूंगा आप यहां रहने के लिए तैयार हो गई हैं हमारे घर में और हमारी जिंदगी में। आप नहीं जा रही हैं, मेरा मतलब आप रुक रही हैं। रुकना भी चाहिए आपको। मैं ऐसा करता हूं ना भाभी कि मैं कोयना को लेके आता हूं स्कूल से। हैं मालूम है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में तीन लोग नहीं रह रहे बल्कि तीन लोगों का एक परिवार रह रहा है, और शाम भी आसपास कहीं रह रहा है। अब मैं